Hello, welcome students in our another video tutorial from biology point. Today we discussing about apoptosis versus cancer and role of AKT in apoptosis and cancer. It is a very important topic, the point of view of CSIR net. So let's start it. Students, हमारी last video के अंदर हमने apoptosis का introduction and extrinsic pathway के बारे में बताया था. उन वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारा रोल ऑफ एकेटी. स्टूडेंट्स, एकेटी इज अ मस्ट नीडेड प्रोटीन फॉर द सेल सर्वाइवेबिलिटी, बट इन द एब्सेंस ऑफ एकेटी इट कॉज अपोप्टोसिस या सेल डेथ. लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे हमारे पास PI3K के रिसेप्टर प्रेजेंट होता है. दैट इज़ द PI3K के ट्राई आयोडीन फॉस्फेट काइनेज रिसेप्टर्स. काइनेज बेसिकली वो प्रोटीन्स होते हैं जो अनदर दूसरे एंजाइम को, हार्मोन को, प्रोटीन को फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र करेंगे एंड देन उसको एक्टिवेट करते हैं. तो यहाँ पे PI3K के फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र करता है AKT को. देन AKT इज़ कन्वर्ट इंटू AKT फॉस्फोराइलेटेड. AKT एक काइनेज है दैट इज अगेन ट्रांसफर द फॉस्फेट ग्रुप टू अनदर. नाउ हम फर्स्ट सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं दैट इज AKT जैसे ही फॉस्फोराइलेट होता है, हम सबसे पहले बात करेंगे कि AKT जैसे ही फॉस्फोराइलेट होता है ये प्रो कैसपेज 9 को कन्वर्ट कर देता है प्रो कैसपेज 9 इनएक्टिव स्टेज के अंदर. दैट मीन्स ये सबसे पहले प्रो कैसपेज 9 को इनएक्टिव करता है AKT जब फॉस्फोराइलेट होता है. देन उसके बाद में हम सेकेंड बात करते हैं कि ये बैड एंड जो बैक्स प्रोटीन होते हैं उनको भी ये फॉस्फोराइलेट करता है, देन वो भी इनएक्टिव स्टेज में आ जाते हैं. स्टूडेंट्स, ये दोनों के दोनों प्रो कैसपेज 9 एंड बैड एंड बिक्स जो अपोप्टोसिस कोज करने वाले प्रोटीन हैं और ये इनको इनएक्टिव करके जाता है. देन इसके बाद में AKT जैसे फॉस्फोराइलेट होता है ये CBP कैसपेज बाइंडिंग प्रोटीन को भी फॉस्फोराइलेट कर देता है, और CBP जैसे ही फॉस्फोराइलेट हो जाता है ये कैसपेज रेस्पॉन्स एलिमेंट के साथ बाइंड कर जाता है. और जैसे ही कैसपेज रेस्पॉन्स एलिमेंट के साथ बाइंड करेगा तो कैसपेज उससे ईजिली बाइंड नहीं कर पाएगा. दैट मीन्स DNA डिग्रेड नहीं होगा, और DNA डिग्रेड नहीं होगा सेल ईजिली सर्वाइव कर जाती है. दैट मीन्स यहाँ से सेल की सर्वाइबिलिटी प्रमोट होती है. तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि AKT प्रो कैसपेज 9 को इनएक्टिव करता है, बैड एंड बिक्स को इनएक्टिव करता है, CBP को ये फॉस्फोराइलेट करता है, देन इसके बाद में CRE से बाइंड करता है जिसकी वजह से सेल की सर्वाइबिलिटी इंक्रीज होती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसे ही AKT फॉस्फोराइलेट होता है ये IAP एंड जो अनदर प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑन द एक्स क्रोमोजोम ये उसको एक्टिव कर देता है. और जैसे ही IAP एक्टिव होता है, स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस पॉइंट, IAP इज ए इनिबिटर ऑफ अपोप्टोटिक प्रोटीन, यानी कि अपोप्टोटिक प्रोटीन का इनिबिटर. अगर एक्टिव हो जाएगा दैट मीन्स अपोप्टोसिस नहीं होगा, और अपोप्टोसिस नहीं होगा तो सेल सर्वाइव करेगी. दैट मीन्स AKT IAP को फॉस्फोराइलेट करने की वजह से ये इसको एक्टिव स्टेज में कन्वर्ट कर देता है, और एक्टिव स्टेज में जब ये कन्वर्ट होता है सेल ईजिली सर्वाइव कर जाती है. नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं कि AKT जो है MDM2, इट इज़ ए ट्रिक वी कैन से इट, कि MDM2 को ये काइनेज जो अगेन फॉस्फोराइलेट करता है, इसकी वजह से जब MDM2 फॉस्फोराइलेट हो जाता है तो इसका न्यूक्लियस लोकलाइजिंग सीक्वेंस एक्सपोज हो जाता है. और जैसे इसका न्यूक्लियस लोकलाइजिंग सीक्वेंस एक्सपोज होता है MDM2 एंटर करती है न्यूक्लियस के अंदर. MDM2 प्रोटीन जो है वो एंटर करता है इन द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में जैसे ही एंटर करता है ये P53 के साथ बाइंड कर देता है. और P53 अगेन रिमेंबर दिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है फॉर द अपोप्टोसिस, क्योंकि P53 अगर है तो देन भी दैट मीन्स अपोप्टोसिस होता है. लेकिन अब MDM2 ने P53 से बाइंडिंग कर ली, और MDM2 जैसे P53 से बाइंड करता है ये P53 का एक्सपोर्ट कर देता है फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस. और P53 जैसे ही एक्सपोर्ट करता है बाहर की तरफ निकलता है तो इसका यूबीक्यूटिनाइजेशन हो जाता है, देन यूबीक्यूटिनाइजेशन की वजह से इसका डिग्रेडेशन हो जाता है और सेल अगेन सर्वाइव करती है. दैट मीन्स सेल में सर्वाइबिलिटी की जो चांसेज है वो इंक्रीज हो जाते हैं, अपोप्टोसिस वहाँ पे इनहिबिट हो जाता है. वापस देख लीजिए एक बार आप.
नेक्स्ट एकेटी फॉस्फोरेट जो है वो करता है एमटोर को, एमटोर अनदर इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, एमटोर को ये फॉस्फोरेलेट करता है, और एमटोर जैसे फॉस्फोरेलेट होता है सेल की सर्वाइबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि एमटोर भी अपोप्टोसिस क्लोज करने वाला ही प्रोटीन होता है। नेक्स्ट इसके बाद में एकेटी अगेन फोक्सो, फोक्सो भी एक प्रोटीन होता है, अपोप्टोटिक प्रोटीन होता है, फोक्सो को ये फॉस्फोराइट करता है, फोक्सो जैसे ही फॉस्फोराइलेट हो जाता है, ये एक प्रोटीन है जिसका नाम है यहाँ पे 14.3.3, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, बहुत बार सीएसआई या नेट में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फोक्सो 14.3.3 प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, जिसकी वजह से इसका एक्सपोर्टेशन हो जाता है, और एक्सपोर्टेशन होने की वजह से फोक्सो प्रोटीन बाहर की तरफ आ जाएगा, देन फोक्सो बाहर आने की वजह से हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, पूमा यहाँ पे ट्रांसक्राइब नहीं हो पाता है, और पूमा ट्रांसक्राइब नहीं होगा दैट मीन्स सेल जो है वो सर्वाइव कर जाती है। पूमा की अगर हम बात करके जाएँ तो पूमा जो प्रोटीन होता है वो अगेन हमारे एकेटी एनपी 53 के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है, दैट मीन्स पूमा अगर ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे सेल सर्वाइव कर जाती है। तो अगेन हमने कहा कि एकेटी जो है वो सेल को बचाने का काम करता है अपोप्टोसिस से। इसके बाद में ये सारे के सारे फैक्टर की अगर हम बात करके जाएं कि अगर एकेटी जैसे ही फॉस्फोराइलेट हो जाएगा तो ये सारे के सारे प्रोटीन्स को इनएक्टिव करता है, देन कुछ को ये एक्टिव भी करता है। तो यानी कि अगर सेल को सर्वाइवबिलिटी की ज़रूरत है, मतलब सेल को सर्वाइव करना है, तो उसको सबसे ज़्यादा नीड होती है एकेटी की फॉस्फोराइलेशन की। दैट मीन्स अगर हम सेल की सर्वाइवबिलिटी चाहते हैं तो आप एकेटी को फॉस्फोराइलेट कर दीजिए, ये अपोप्टोसिस को इनहिबिट करके जाएगा, और अगर आप अपोप्टोसिस चाहते हैं तो आप एकेटी को फॉस्फोराइलेट मत कीजिए, मतलब इससे फॉस्फेट ग्रुप को आप रिमूव कर दीजिए, इसका डीफॉस्फोराइलेशन कर दीजिए। लेकिन यहाँ से हमने बात की है कैंसर की, तो अगर हम कैंसर की बात करते हैं तो अगर म्यूटेशन हो जाता है एकेटी के अंदर, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज कैंसर, अगर एकेटी के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा, एकेटी के अंदर म्यूटेशन अगर हो जाता है, और ये म्यूटेशन इसके अंदर होता है पॉजिटिव म्यूटेशन, अगर हम कहें कि इसकी वजह से ये गेनोम इसका जो फंक्शन है वो इंक्रीज होता है, तो इसको हम कह सकते हैं इस म्यूटेशन को गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, और इसी वजह से एकेटी को बोला जाता है प्रोटो ऑनकोजीन। दैट मीन्स अगर एकेटी में म्यूटेशन हो जाता है आफ्टर द फॉस्फोराइलेशन, तो ये सारे के सारे जो प्रोटीन है ये सेल की सर्वाइबिलिटी, दैट मीन्स सर्वाइबिलिटी का मतलब है यहाँ पे सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा, और सेल फटाफट रैपिड इमीडिएट डिवीजन जब करने लग जाती है उसी स्टेज को हम कहते हैं कैंसर। दैट मीन्स कि इनडिटर्मिनेट और इन रेगुलर अगर हम कंडीशन के अंदर एकेटी को रखते हैं तो ये कैंसर को भी कोज करता है। तो यहाँ से हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो क्लियर होता है कि अगर एकेटी के अंदर पॉजिटिव म्यूटेशन होता है, तो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन अगर होता है तो ये वर्क करता है एज ए प्रोटो ऑनकोजीन, और प्रोटो ऑनकोजीन के वजह से ये कोज करता है कैंसर। लेकिन अगर एकेटी में कोई म्यूटेशन नहीं होता लेकिन ये केवल फॉस्फोराइलेट होता है तो ये सेल को सर्वाइव करके जाता है, दैट मीन्स ये अपोप्टोसिस को इनहिबिट करता है, प्रिवेंट करता है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है नेट के एग्जाम में, कि एक लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 14.3.3 प्रोटीन का क्या रोल होता है इन द कैंसर और अपोप्टोसिस, तो उसका हमें रोल बताना होता है फोक्सो के साथ, क्योंकि एकेटी फोक्सो को फॉस्फोराइलेट करता है बट फोक्सो अभी तक एक्सपोर्ट नहीं हुआ, तो ये 14.3.3 प्रोटीन इसको हेल्प करता है इन द एक्सपोर्टेशन, और इसका एक्सपोर्टेशन की वजह से पूमा जो है वो ट्रांसक्राइब नहीं हो पाता है और सेल सर्वाइव कर जाती है। लेकिन अगर ये कंटिन्यू होता रहेगा तो सेल जो है ज़्यादा डिविजन करेगी, दैट मीन्स कैंसर भी हो सकता है, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगेन दिस लाइन इज 14.3.3 प्रोटीन एक्सपोर्ट द फोक्सो फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो हमने अभी जस्ट ऊपर की तरफ देखा था। तो दैट इज द ऑल अबाउट अपोप्टोसिस वर्सेस कैंसर, यानी कि एकेटी ही की वजह से कैंसर जो है वो कोज हो सकता है, अपोप्टोसिस प्रमोट इनहिबिट हो सकता है, और एकेटी की नॉर्मल फंक्शन की वजह से सेल सर्वाइव करती है। तो इसलिए कहा जाता है कि सेल की सर्वाइबिलिटी के लिए एकेटी का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करें, एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।